तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हमारे पास है पोको M2 और ये है इसका 10 वाट का चार्जर। और आज हम इसमें बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले। इसके अंदर दी है 5000 mAh की बैटरी और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट ये साथ में 10 वाट का ही चार्जर मिला, तो हम इससे ही इसकी बैटरी चार्ज करेंगे और साथ में इससे ड्रेन करके दिखाएंगे कितना समय लेता है आखिर ये ड्रेन होने में और चार्ज होने में। तो यहाँ पे भी हमने सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये है स्टॉपवॉच के लिए, ये है हमारा स्मार्टफोन जो कि यहाँ पे हम रख देते हैं, और ये है 10 वाट का चार्जर जो कि इसी के साथ में मिला था। इसको हम यहाँ बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी चार्जिंग स्टार्ट होने वाली है, ये बिल्कुल ही जीरो है, मतलब पूरा डाउन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1% इसकी बैटरी चार्ज हो गई है और 1 मिनट 10 सेकेंड हो चुके हैं क्योंकि ये बिल्कुल डाउन था। तो अब देखते हैं भैया ये कितने समय में फुल चार्ज होता है। शुरू करते हैं भैया इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 11:18 हो चुका है और बैटरी है पूरी 100%। जी हाँ, तो हम सबसे पहले यहाँ पे खेलेंगे पबजी। जी हाँ, पबजी खेल के ही इसका शुरुआत करेंगे, शुभारंभ इससे होगा और इसका लगभग हम 2 या 3 घंटे पबजी खेल कर देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है। ओके, तो अभी हमें पबजी खेलते हुए लगभग हो चुके हैं 3 घंटे से ऊपर। जी हाँ, आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे 2:03 हुआ है और बैटरी अगर आप देखेंगे तो ये आप देखते हैं 67% बैटरी है। जी हाँ, 67% बैटरी और 2:03 हो चुका है, तो लगभग बैटरी गई है इसकी 33%। जी हाँ, 3 घंटे में 33% गई है। तो अब हम इसे YouTube चला के रखने वाले हैं, यानी वीडियो चला के रखेंगे और देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है। तो फाइनली अभी टाइम हुआ है 5:32 और हमें लगभग ये मूवी चलाते हो चुका है 3.5 घंटा। जी हाँ, और यहाँ पे बैटरी आप चेक करेंगे तो ये 38% है अभी भी, ठीक है। तो यानी लगभग इसका अगर हम देखें ड्रेन, तो लगभग 28-29% ये ड्रेन हुई है 3.5 घंटा में मूवी चलाने में। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम कैमरा ऑन करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे लगभग 1 घंटे की, और देखते हैं एक्चुअल में 1 घंटे में इसकी बैटरी ड्रेन कितनी होती है। तो अभी टाइम हुआ है 6:44 और बैटरी आ गई है 23% पर। जी हाँ, और ये लगभग हो चुका है, इसे वीडियो चलाते हुए हमें लगभग 1.25 घंटा हो चुका है, 1 घंटे 20 मिनट। इसकी बैटरी गई है लगभग भैया 14% या 15% लगभग डाउन हुई है। तो अब हम फिर से इसमें क्या करने वाले हैं, वीडियो चला के छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो चला के छोड़ने वाले हैं और इसे हम 0 तक ले जाएंगे, देखते हैं कितने घंटे सर्वाइव कर पाता है। तो आखिर हमने मोबाइल पूरा डाउन कर ही दिया, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 9:38 हो चुका है और 1% बैटरी आ चुकी है, यानी कि लगभग 3.25 घंटा इसे हमने वीडियो के लिए छोड़ दिया था और ये मोबाइल फाइनली 1% पे आ चुका है। तो मोबाइल को हमने 0 से 100 किया, 100 से 0 किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने। जी हाँ, ये लगभग 10 घंटे सर्वाइव कर पाया है। कैसे, यहाँ पर हमने भी पबजी खेली 3 घंटे, तब बैटरी गई 33%। यूट्यूब चलाया 3 घंटे 30 मिनट, तब बैटरी गई 29%। वीडियो भैया इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करी थी जिसमें 1 घंटे 20 मिनट हमने रिकॉर्डिंग करी जिसमें बैटरी गई 15%। और यहाँ पे यूट्यूब फिर मैंने चलाया तो 3 घंटे 15 मिनट चलाया जिसमें बैटरी गई 23%। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 घंटे 5 मिनट निकल जाता है, 10 घंटे 5 मिनट, मतलब बहुत तगड़ा चला ये स्मार्टफोन। बाकी हमने रेडमी 9 प्राइम का भी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था जिसमें वो लगभग 7.5 घंटे सर्वाइव कर पाया था, ये 10 घंटे सर्वाइव कर पाया जबकि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, उसके अंदर 20 mAh ज़्यादा दे रखी थी। तो यहाँ पर हमने इसे चार्ज किया तब ये भैया निकल के आया हमारे 2 घंटे 46 मिनट, यानी 0 से 100 होने में लिखा
2 घंटे 46 मिनट। 10 वाट का चार्जर है, जाहिर सी बात इतना टाइम तो लेगा ही। बाकी हम इसे 18 वाट के चार्जर से भी चार्ज करके देखेंगे आखिर कितना समय लेता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है सच में। कर दो सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।